नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो थर्ड वनडे मैच खेला जाना है उसकी प्लेइंग 11 के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये मुकाबला कैसे बस आप थोड़ी देर में ही देख सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दें, टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये जो मुकाबला है इसको लेकर दोनों ही टीमों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टीम इंडिया अपने तीसरे वनडे मैच में बड़ा बदलाव करने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में जो एक मैच बचा हुआ है उसमें शिखर धवन चाहेंगे कि जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है उनको भी मौका दिया जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरी प्लेइंग 11 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बताते हैं कि क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी, फिर बात करेंगे वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में, और फिर बात करेंगे कि यह मुकाबला कब कैसे कहां पर आप आज लाइव देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शिखर धवन आप सभी को कप्तानी के रूप में तो नज़र आएंगे, साथ ही साथ एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस बार शुभमन गिल को बैठना पड़ेगा। सुमन गिल की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा, क्योंकि इनको अभी तक इस सीरीज में मौका नहीं मिला है, और क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है, सुमन गिल ने बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना ही होगा। इसके अलावा ईशान किशन आप सभी को नज़र आने वाले हैं। ईशान किशन जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, हालांकि ईशान किशन ने इस सीरीज में कोई अभी तक मैच नहीं खेला था, लेकिन अब ईशान किशन को मौका मिलने वाला है और श्रेयस अय्यर को बाहर किया जा सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर आप सभी को सूर्य कुमार यादव नज़र आएंगे। सूर्य कुमार यादव ने अभी तक इस सीजन में एक भी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, ऐसे में शिखर धवन चाहेंगे कि सूर्य कुमार यादव अच्छी परफॉर्मेंस करें, लय प्राप्त करें। वहीं संजू सैमसन आपको नज़र आने वाले हैं, जो कि अभी तक दोनों ही मैचों में ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस करके गए हैं, ऐसे में संजू सैमसन को एक बार फिर से मौका मिलेगा। वहीं दीपक हुड्डा जो कि अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी मौका मिलेगा, इन्होंने भी दोनों मैच में लगभग 30 से 40 रन के बीच में रन बनाया है। वहीं अक्षर पाटिल जिन्होंने पिछले मैच में महज 35 ही गेंदों पर 64 रन जड़ दिया था, इनको भी मौका मिलेगा। आवेश खान आपको नज़र आने वाले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा अर्शदीप सिंह को मौका मिलने वाला है, और युजवेंद्र चहल, ये रहने वाली है टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11। बात करें अगर वेस्ट इंडीज की, तो यहाँ पर सभी खिलाड़ी वही नजर आने वाले हैं। आपको साई होप नजर आएंगे, काइल मेयर्स, ब्रेंडन किंग, समराह ब्रूक्स, निकल्स पुरन, रोमन पोवेल, रोमेरियो सेफर्ड, जे सिल्स, अकील हुसैन, हिडन वॉल्स एंड अलजारी जोसेफ, ये नज़र आने वाली है आपको वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11। आपको बता दें, आज टीम इंडिया एक प्रैक्टिस मैच भी खेलने वाली है, जिसका अभी थोड़ी देर बाद ये मैच शुरू होने वाला है, और टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ के साथ ही ये प्रैक्टिस मैच खेलने वाली है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।